Aksham Shisha Manju Patwa studying in standard 8. Today I have a new video which is on the space encyclopedias of planet and we are going to the topic Neptune. Okay, and this is the part 2 of this particular topic and in this we are going to see about the location and movement of Neptune. Iske andar jo hai teen particular topic hai. First to hai axial tilt, second hai orbited resonance aur third hai torsion objects. Theek hai na? तो चलिए इसके प्रीफेस के बारे में जान लेते हैं. क्या दिया हुआ है इधर इधर दिया हुआ है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन नेपच्यून एंड सन इज 4.550 बिलियन किलोमीटर दैट इज अबाउट 30.1 AU. इट कंप्लीट्स एन ऑर्बिट ऑन एवरेज एवरी 164.79 ओ द एप्टिकल ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून इज इंक्लाइंड इन 1.77 कंपेयर टू द अर्थ. अब इधर क्या दिया हुआ है इधर दिया हुआ है कि ये जो हमारा नेपच्यून है उसका और सन का डिस्टेंस मींस हमारा जो सूर्य है मैं तो डर गई ये है लास्ट एकदम लास्ट प्लैनेट है तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4.50 बिलियन कितना 4.50 बिलियन ठीक है ना और ये इन शॉर्ट इसको ये भी बोल सकते हो 30.1 AU ठीक है ना और ये जो है इसका डिफरेंस इतना है और ये कहा गया है कि इसका जो रोटेशन है रोटेशन इसको लगता है 164.79 अर्थ ईयर्स ठीक है ना. चलिए इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सियल टिल्ट वो जल्दी से देख लेते हैं. इधर क्या दिया हुआ है द एक्सियल टिल्ट ऑफ नेपच्यून नेपच्यून इज 28.32 डिग्री विच इज सिमिलर टू द टिल्ट्स ऑफ अर्थ 23 degree and Mars 25 degree therefore they experience the seasonal change similarly. अब इधर क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा नेपच्यून है समझिए ये हमारा नेपच्यून ही है ये जो है इसका जो बीच का ये टिल्टेड है कितने डिग्री में तो 28 डिग्री में ठीक है ना और ये हमारा जो अर्थ है वो 23 डिग्री में टिल्टेड है और जो मार्स है वो 25 डिग्री में टिल्टेड है इसीलिए ये कहा गया कि तीनों में जो सीजनल चेंज है वो सेम टाइम पे देखा जाता है ठीक है ना मतलब एक दो दिन के डिफरेंस में. अब इधर क्या दिया हुआ है अभी चलिए इसका जो सेकेंड टॉपिक है जो कि ऑर्बिटल रेसोनेंस वो देख लेते हैं. अभी तक क्या दिया हुआ है द नेपच्यून्स ऑर्बिट हैव मैसिव इंपैक्ट ऑन द रीजन दैट इज डायरेक्टली बियॉन्ड इट नोन एज क्यूपर बेल्ट. क्यूपर बेल्ट इज अ रिंग ऑफ स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज सिमिलर टू एस्टेरॉयड बेल्ट एंड इवन फ्यू एस्टेरॉयड्स आर फाउंड हियर बट मच लार्जर. अभी तक क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा नेपच्यून है जब इसका मींस जो हमारा नेपच्यून है उसमें उसके बाजू में जो क्यूपर बेल्ट है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ड्यू टू इट्स रेसोनेंस ठीक है ना ऑर्बिटल रेसोनेंस और जहाँ पे क्या उसे जहाँ पे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं और आईसी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं. तो इसका जो लास्ट टॉपिक है ट्रोजन ऑब्जेक्ट्स क्या जब कोई चीज ठीक है ना जब कोई ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में है अगर वो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट पे चलने लगता है उसे ही हम कहते हैं ट्रोजन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल समझिए कि हमारा जो अर्थ है अर्थ घूम रहा है और उसके बीच में एक पत्थर ऐसे गोल 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 घूम जाया और फिर हमारे जो अर्थ है इधर तो वो भी अर्थ के साथ गोल 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 घूमने लग गया तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहेंगे ट्रोजन ऑब्जेक्ट. अब इधर क्या दिया हुआ है A smaller celestial object that shares its orbit with larger celestial object is called a Trojan object. अब इधर भी वही बोला गया है. Neptune possesses a number of Trojan objects occupying the sun. ठीक है ना? The Neptune Trojan is 1.1 resonance with the Neptune. अब इधर क्या दिया हुआ है कि एक जो मतलब वही है कि जो celestial object किसी planet के orbit पे घूमता है उसे हम ट्रोजन ऑब्जेक्ट कहते हैं एंड इवन नेपच्यून के पास भी एक ट्रोजन ऑब्जेक्ट है ठीक है ना ऑब्जेक्ट है जो कि उसके रिसोनेंस में 1:1 ठीक है ना 1:1 जिसे रेशो भी कहते हैं 1:1 ठीक है ना वैसे उसके रिसोनेंस है ठीक है ना. तो इधर जो हमारा तीनों पॉइंट जो है और हमारा जो पार्ट टू है वो भी खत्म होता है ठीक है ना. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट माय वीडियो एंड इवन फॉलो माय चैनल. अगर आपको साइंस फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारे इंस्टा आईडी science_facts777 को जरूर फॉलो कीजिएगा. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.